आज हम सीखेंगे मिठाइयों के नाम संस्कृत में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मिठाई है वो है लड्डू। लड्डू को संस्कृत में कहते हैं मोदकम। अगला है आटे का लड्डू, यानी जो आटे के लड्डू हैं उसको संस्कृत में कहते हैं उंडरेकः। अगला है हलवा। हलवा को संस्कृत में कहते हैं लप्सिका। अगला है सेवई। सेवई को संस्कृत में कहते हैं सूत्रिका। अगला है खीर। खीर को संस्कृत में कहते हैं परमानम। बालूशाही। बालूशाही को संस्कृत में कहते हैं मिष्ट मंठः। अगला हमारा है जलेबी, यानी जलेबी को इमृति भी बोलते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं कुंडलिनी या कुंडलिका। बर्फी। बर्फी को संस्कृत में कहते हैं चक्रिका। अगला हमारा है घेवर। घेवर को संस्कृत में कहते हैं घृतपूरः या घृतवर। अगला है पूड़ा, यानी मीठा पूड़ा। इसको संस्कृत में कहते हैं अपूपः या धार्तिका। अगला हमारा है मालपुआ। मालपुआ को संस्कृत में कहते हैं पारिशीलः। अगला हमारा है गजक। गजक को संस्कृत में कहते हैं अवदंसः। अगला है खजूर। खजूर को संस्कृत में कहते हैं चीर्णपर्णः। मिठाई। मिठाई को संस्कृत में कहते हैं मिष्ठानम। खोया। खोया को संस्कृत में कहते हैं किलाटिका। रसगुल्ला। रसगुल्ला को संस्कृत में कहते हैं रसगोलकः। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को संस्कृत में कहते हैं पाटल मधुसदः। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।